कितना अच्छी बात है, समझिए आशीर्वाद मिला। कल ठीक है, अब ये बनेगी वर्षा। दो साल पहले अगर शुरू किया होता ना, स्क्वायर फीट में बताओ तो ज्यादा रनर हो गए ना। जी सर, तो ये होगा सर 45 मिनट। अच्छा जी सर, सामने सर मुख्य पे हाथ रखी थी यहाँ पे सर सामने डन। अपनी बाहरों पे नाज था, वो आ गए तो सारे बाहरों पे सा गए। मैं तब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और वेलकम एड्रेस पेश करें डिग्निटीज का। प्लेजर 40-40 लाख रुपए लेके अमीर बच्चों से फिर फाइस्टार होटलों में खाने खाए। हम लोग गरीब बच्चों के लिए 400 रुपए में साल भर में ट्रेनिंग कराते हैं, 6 महीने में उसको काम के लायक बनाते हैं। हमें पता है जीआरडी मजदूर उसका बच्चे का माँ बाप है, वो JEE क्रैक नहीं कर सकता, वो IIM में नहीं जा सकता, IIT में नहीं जा सकता। तो लेकिन इसका मतलब नहीं उसको यहाँ का नागरिक होने का फिर अधिकार नहीं है। अभी जो कल बजट आया हम उसको स्वागत करते हैं। बजट में भी ये चीज़ें बताया गया, हर एक ITI में हॉस्टल बनेगा। हमारे पास 54 ITIs है, इंशाल्लाह सब में हॉस्टल बनेगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी आदेश दिया हुआ है। अभी जो DC साहब और डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, हमने कहा भाई हमारे पास जगह की कमी है, जो बड़े पेचेज ऑफ लैंड है सरकारी ज़मीन जो आपने खाली कराई हमें दे दो, हम बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएंगे, हम पॉलिटेक्निक बनाएंगे। 2009 में पॉलिटेक्निक 18 सेक्शन हुए थे, उनमें से कुछ 5-8 कंप्लीट हुए थे, बाकी इनकम्प्लीट थे। वो हमने अभी पिछले 2 साल में आपको पता है 19 में UT बन गया था, 20 और 21 में कोविड था, 22 में थोड़ा नॉर्मल रहा, तो इसके बावजूद हमने वो कम्प्लीट किए। और उनके लिए कल हमने थोड़ा बच्चों रहे, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह रहे, चाहे वो योगा करे या स्विमिंग करे, जहाँ कहीं जगह है तो हम वो भी दे सकते हैं फैसिलिटी। ये बच्चे दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है, ITI का बच्चा जो है कारीगर हमें चाहिए। आजकल अगर 80,000-85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है UT में, तो हमारे बच्चों को आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हमें सॉफ्ट स्किल भी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल भी चाहिए, हमें इंडस्ट्री एक्सपोजर भी चाहिए। जैसे मोरिटी के यहाँ पे एक वर्कशॉप हमने बनाया था, या कठुआ में हमने अशोक लीलैंड का एक वर्कशॉप बनाया, उनसे बनाया, या वो जो आर्ट ऑफ लिविंग वालों श्नाइडर का वर्कशॉप एक श्रीनगर में ITI पे बनाया था, जहाँ भी वो बनाना चाहते हैं जम्मू में एक जगह दीजिए। हम इंडस्ट्री को अपने पास करीब लाने चाहते हैं, इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से इन बच्चों को ट्रेन करना है, चाहे वो AI करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे हमने ऑलरेडी शुरू किया है। इसमें पॉलिटेक्निक के साथ जो CEE है वो खाली पॉलिटेक्निक वालों का नहीं है, ITI का है। देखिए हमारे पास जहाँ 20 आज की डेट में 22 एक हमारे पास JCET जम्मू थी, आज हमारे पास 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, 22 पॉलिटेक्निक्स और हमारे पास 54 ITIs। हमारा एक स्किल इकोसिस्टम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें इस वक्त बजट में भी इसमें सहायता मिली है। और इसके अलावा और ओवर एंड अबव जो भी गरीब लड़कियां हैं वो अपना ग्रुप बनाती है NLM में, लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन में। हमने 4-5 हज़ार बच्चों की इस साल ट्रेनिंग की है, इस साल बजट की आगे भी कमी नहीं रहेगी। वो जितनी भी 90,000 ग्रुप है या 60,000 ग्रुप है उन सबको बारी बारी हम करके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देंगे। डेली 1 घंटा ही वो ट्रेनिंग करें, नियरेस्ट निकट के ITI में जाए। और अगर हम ITI नया जल्दी नहीं, कोई 3 करोड़ इसके कास्ट है इसकी, और इसमें हमारे 6 टोटल वर्कशॉप्स बनेंगे, जिसमें और भी फैसिलिटी रहेंगी, ट्रेनिंग का रूम रहेगा और कॉन्फ्रेंस हॉल भी रहेगा। तो इसमें देखिए जी, हमारा जो एक ट्रेड है उसमें हमारे लगभग 24 बच्चों का रहता है, और 6 ट्रेड हैं इसमें, उसके हिसाब से जो बच्चों को काफ़ी सुविधा मिलने वाली है।